किया मेरे शुद्ध आत्मा। हाजी देखिए, आप जैसे विद्वान बताते हैं कि मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन ये आदमी इस जीवन को मैमेरी में गवा देता है। तो किसी कवि ने चार लानों में बताया है भैया, वो किस तरह से? किस तरह से भैया? कि बंदे करवादन की याद और का कि बंदे करवादन की याद और मगर जाहे कभी न होरी I'm not afraid of the dark.
खेतर साहब हाजी, जब भगवान कन्हैया की शिकायत और माता यशोदा के पास आई कि मैया देख तेरो लाला हमते भारी उदम मचावे, तो अपनी शिकायत को सुनकर और वो भगवान कन्हैया माता यशोदा से कह रहे कि मैया देख मैं कहां लोरो सोर कहां जे इतनी बड़ी ग्वालिनी। तो भैया वो किस तरह से बताया, क्या बताया भैया, के मैया ये भोली भाली दीखती देहो और ये ग्वालिनी चालाक, अरे मे बालक ये धीगरी सो हमसे करे, अरे नया की फोरी मटकी वो छोरा मैया नया की फोरी मटकी, अरे साची कौआ झूठ ना बोलू, अरी साची कौआ झूठ ना बोलू, और नया की फोरी माता की, 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 माता
तो चार गोपियां जब शिकायत करके चली गई तो आठ गोपियां और आ गई। तो वो माता यशोदा से कह रही है, भैया वो किस तरह से कैसे कह रहे भैया कि भैया हम दधवे चन को गई और वृंदावन की ओर हरिमार्ग में वो मिली गयो सुतिर नटवर नंदो। Yeah.
हाँ जी, एक समय वो भगवान शंकर की पत्नी माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, मेरी एक इच्छा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस इच्छा को बता दूं। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी क्या इच्छा है? तो माता पार्वती ने कहा कि पतिदेव, मेरे 16 श्रृंगार होने में एक श्रृंगार की कमी है, अगर आप मेरे लिए एक चुंदरी ले आए तो मेरे 16 श्रृंगार पूर्ण हो जाएंगे। तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि पतिदेव, चुंदरी तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो चुंदरी के बारे में मैं बताऊंगी। वो चुंदरी आपको लानी है भैया। वो किस तरह से? और अपने पति भोलेनाथ से कह रही, भैया श्रृंगार मेरे जब हो पूरे, श्रृंगार मेरे जब हो पूरे, और एक कमी बता रही तो मेरे मन की चुंदरी मंगवा दे। बोलो Yeah.
गाना जरूर आपको उठपटांग लगेगा, लेकिन शरीर के ऊपर गाना है तो वो भैया किस तरह से, अरे कोने की रात कठिन रसिया, अरे कोने की रात